अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा व्लॉग है स्टार्ट करेंगे कि कादरपुरामा की ना, वो पता है कि मैं कादरपुरामा का रिहायशी हूँ। तो आज यहाँ की ना कुछ फेमस जगह हैं जहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ, तो वहाँ चलते हैं तो देखते हैं। अभी मेरा दोस्त आ रहा है अब्दुल कदीर, तो वहाँ से चलते हैं, आप देखते हैं। कुछ जगह हैं ऐसी जो आप, मैं थोड़ी सी उसकी सैर भी करवा देता हूँ और थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। कादरपुरामा के रिहायशी तो शायद जानते हैं उन जगहों को, लेकिन कुछ जगहों के लोग अभी तक नहीं जानते। सो अब चलते हैं, देखते हैं। वो आ गया भाई, एक देर फिर चलिए। वालेकुम सलाम सर, आ चलिए यार, अब चलते हैं। थोड़ा सा हमारी भी आउटिंग हो जाएगी और हम भी देख लेंगे जाके। चल आ जा, चलें। अब बाइक मैं चलाऊं? चलो ठीक, ये स्टार्ट कर। हाँ ये ठीक है, हम पहुंच गए ना, फिर आपको दोबारा लाइव दिखाते हैं। जा रहे हैं अब नहर वाली साइड, आपको ये हमारे हेड है रामा हेड, इसे कुमकुम की नहर भी कहते हैं। कदीर मज़ा आ रहा है? आजकल इसकी भी तबीयत ख़राब है, ये पहले व्लॉग दो में बता चुका हूँ, थोड़ी सी इसकी भी तबीयत सही हो जाएगी। चलो चलते हैं वहाँ, देखते हैं अभी। सो हम अब पहुँच गए हैं नहर वाली साइड, ये हमारी ना हेड खिलाती है नहर जो है, ये देखें, इसे घूम घूम वाली नहर भी कहते हैं। व्यू देखें बस आप, कमाल है। हाँ भाई कदीर, क्या कैसा फील हो रहा है आपको? ठीक फील हो रहा है। अच्छा सही फील हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है? बोल तरी खावा, बाइक तो बंद कर चा मामू। ये देखें होटल हमारा, यहाँ पूल वगैरह लगे होते हैं अक्सर। ओए होए कोई हवा चल रही है यहाँ, ये है कमाल। और भी आगे भी चलते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे, आपको फेमस जगह दिखाता हूँ। यहाँ को पहले तो यहाँ बगात भी थे अक्सर, यहाँ अब से जो मूव कर दिए वहाँ आगे हैं कुछ दूर जाकर, ये वाली जगह पे। तो ये तो आपने देख लिया, अब एक और जगह चलते हैं जो ना चिट्टी मस्जिद के नाम से मशहूर है, यानी वाइट मास्क। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं वाइट मस्जिद पे। ये जगह दो तीन और भी हैं, लेकिन वो आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे हम, तो अभी यही है चीज़ें चीज़ें। चलें हम यहाँ से या भी बैठे ये? हाँ एक चीज़ आपको दिखानी है, अब ये है किला, यहाँ का मशहूर है वैसे। शायद आपको ना ये नजर ना, ये अब नया बन रहा है यहाँ पे, मलिक कासिम है एक यहाँ पे, उसके वही बना रहे, ये बहुत ही प्यारा किला है। वो जगह देखें आप बस यार, लोकेशन बहुत प्यारी है, VIP। आगे ना चलते हैं नेक्स्ट रोज पे, तो देखते हैं वहाँ भी चीज़ें को। चल रहे हैं देखते हैं, ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये देखते हैं। बड़े दरख्त वगैरह लगे हैं यहाँ पे, गडोनियाँ और दूसरी बेलें वगैरह, बड़ी ज़बरदस्त VIP माहौल। तो आज मैंने सोचा था कि अपने व्यूवर्स को ना दिखाऊँ मैं कि कैसी हमारी यहाँ पर जो है आउटिंग की जगह,
ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे, बनिस्बत शहर के कम ही है, लेकिन ये है कि जो भी है ना हेल्दी बहुत है यहाँ पे चीज़। हवा देखी इतनी, VIP आती है, ये नहर साथ चल रही है, और जो है ना इम्प्रूवमेंट ऐसा ऐसा हो जाएगी। माइक वगैरह की भी अभी थोड़ी सी वो है, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। साथ साथ और भी काम चलते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये है कि माइक वगैरह नहीं ले पा रहा। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा ना इससे बेहतर, तो मुल्तान फिर जाके ना ले आऊंगा जी। ऐसे यहाँ पर तो अब सहूलत जो है ना आ रही है, काफ़ी हद तक आ गई हैं चीज़ें, पहले ये सब नहीं होते थे, तो इस वजह से अब चलते हैं थोड़ा सा। तो फिर जो है दूसरी जगह की भी बनाकर मैं बनाता हूँ, चंद एक और भी जगह हैं, तो इस वजह से क्या हवा है। ज़रा थोड़ा सा जा रहे हैं रास्ते में, मिलते हैं शाम को, थोड़ा सा काम है एक दो वो करते हैं, तो फिर चलते हैं जगह पर भी चलेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। बस लाइक कर दिया करना चीज़ को, सब्सक्राइब भी चैनल को। हाँ विकदी साहब बैठो यार, अब आ गया था मैं घर, क्योंकि थोड़ी सी ना उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी कदीर की फिर से, तो फिर उससे आगे जाना था हमने लेकिन नहीं जा सके। तो ये है कि थोड़ी देर बाद या शाम के टाइम थोड़ा ठंडा टाइम होगा तब जाएगी वहाँ पर देखने, तो फिर चलते हैं वहाँ पर जाते हैं। उसे थोड़ी सी हो गई थी तबीयत में आवाज़ारी, तो कह रहा था ये चलते हैं ठहर के, अगर वो घर गए हैं तो इस वजह से, वरना आपको मैं सैर करवाऊँगा लाजमी। तो फिर शाम को ही मिलते हैं देखने, ये उससे पहले हो गया तो फिर वही, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मैंने कर ली थी सुबह जल्दी जल्दी उठ के। मैंने कहा था आज मेरा यही इरादा था कि भाई इनको रामा की सैर थोड़ी सी करवाऊंगा, जो हल्की जो फेमस जगह है, तो फिर करवाते हैं। अभी नहर तो पानी हो गया था ख़त्म, तो अब पानी भरने जा रहा हूँ वहाँ पर वाटर प्लांट वाली साइड पर, तो पानी भरते हैं वहाँ, ले चलते हैं वहीं पे पानी वाली जगह पे पानी भरते हैं, तो फिर मैं फिर घर आता हूँ वाटर फिल्टर प्लांट पे, तो वहीं पे फिर करते हैं। तो पानी भरते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब फिल हो रहे ये भी काम है हमारे घर के, अपने ये अब पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता ना, इसी वजह से ना पानी भरते हैं, फिर घर चलते हैं, घर थोड़ा सा देखते हैं, फिर कोई काम शाम हो। अभी तो जाना था वहाँ पे और भी आउटिंग करने हमने, लेकिन थोड़ी सी उसकी पहले बताया तबीयत ख़राब होने लगी थी इसी वजह से, अभी फिर वो कहते हैं शाम को चलते हैं, फिर मैं शाम के टाइम बनाऊंगा तो साथ ये हो जाएगा व्लॉग हमारा, तो बना लेंगे। और दो तीन कहते हैं और जगह भी हैं वैसे तो यहाँ पे हमारे शहर की, खूबसूरत है, बस थोड़ा सा ये है कि इसमें डिवेलपमेंट की कमी हुई है हमारे यहाँ, वैसे VIP है, अब हो रही है, करवा रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी कमी है सेवरेज वगैरह की, दूसरी चीज़ों की, वो भी ऐसा ऐसा बन गया, अब तो अच्छी जगह बन गई है। फिर चलते हैं पानी फिल कर लो, फिर घर चलते हैं, फिर जाया करते हैं। पानी भर आए हूँ ये रख दिए, जब घर आए हूँ तो चाय बनी हुई थी अबू जी के हाथ की, अबू ने छुट्टी की है ना, तो इस वजह से अब फिर इसमें चीनी डालता हूँ, वो फीकी ही पीते हैं, तो अब देख लो चम्मच उठाऊँ फिर चीनी डालूँ, चाय पी लूँ। ये समझ आ ना, ये
पूरी कर ली है, अब पीता हूँ फिर। अरे सालन कोर सब है, आज आलू गोश्त बन रहा है। अभी तो ये पक रहा, तैयार नहीं हुआ। वो खुशबू देखे यार, बड़ी महक आ रही है। तो अभी ये सालन बन रहे, फिर आज ये चेक करेंगे। कल दाल चावल बड़े मज़ेदार बने थे, आज आलू जो है ना, आलू गोश्त बड़ा मज़ेदार बनेगा, देखते हैं फिर। अबे चाय पी लूँ। चाय अच्छी बनी है। चाय पीते हैं फिर देखते हैं, फिर शाम को चलते हैं हम और दूसरी जगहों पे। उससे पहले आज फिर देखते हैं सालन कैसा बने, फिर वो चेक करता हूँ, फिर देखते हैं। फिर कल दाल चावल बनी थी, आज ये चेक करेंगे। अभी जो है ना, कदीर की मुझे कॉल आई, वो कहते हैं यार मुझे ना शॉप पे ले चलो अनार लेने। तो फिर उसे अनार लेकर देते हैं। आजकल वो बीमार फिर रहा है, तो इस वजह से तबीयत थोड़ी सी उसकी, मैदा वगैरह ख़राब है। तो चलते हैं उसके अनार लेने, शॉप पे चलते हैं। तो आप शॉप पे आइए अनार लेने, आप तो उसने कहा था। फिर अनार आप यहाँ से लेते हैं, फिर वापस घर चलते हैं। ये तो मैं आपने कहा था। पहले गिर के चले ठीक है, वो मोहब्बत दिखा डे हुआ थे, हूं भी दिखा से चलो फिर बात करते हैं। कार ले लिए सिरे भाई, बहुत महंगी है। कितने का मिले? 220 का मिला अनार। चलो फिर वापसी चलते हैं। कदीर हो गया ना, शुक्रिया। चलो अब चलते हैं घर। इसका चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। ठीक है, अब इसने कह दिया ठीक है। तो पहले काम होते रहे हैं, तो अब जो है खाना हो गया तैयार, जो आपको दिखाया भी था, आलू गोश्त और साथ तंदूर की रोटी। देखें ठहरे, दिखाता हूँ आपको। कमाल है, ये देखो तो सही यार, क्या कमाल है, मज़ेदार। तो देखते हैं आज पहली, पहला निवाला लेता हूँ मैं। है कमाल, मज़ा आ गया, कमाल बने हुए चीज़ें, मज़ेदार हैं, बहुत मज़ेदार है, रोज मज़ेदार है बहुत। शपैग है, शपैग तब तक मैं खाता हूँ, आपने भी खाना हो तो आ जाना, तब तक मैं खा ले तो फिर करते हैं बात। कमाल बहुत है। मेरे फादर हैं, देखें अबू की में बने, मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। देखें वो कह रही है मज़ेदार है, बड़ा बना भी बड़ा मज़ेदार है ना। हाँ बहुत टेस्टी है, आज इंजॉय रहे हम। ऐसे ही है हमारी फैमिली, हम जो काम करते हैं इकट्ठे करते हैं, खाते पीते करते हैं, तो मज़ा आता है। अभी अम्मी भी आई हैं स्कूल से वापसी, इकट्ठियाँ वो भी बैठी हैं साथ, बहुत मज़ेदार है। तो मैं खा लेता हूँ फिर पूरे। खाना हमने कर लिया फिनिश, ठीक है। तो अब हम रख रही हैं, लस्सी शस्सी पी ली है, उसके बाद थोड़ी सी नींद आएगी, हम वो थोड़ी नींद करेंगे, फिर देखते हैं शाम कहाँ जाना है। अगर तो उसकी तबीयत सही हुई तो चलेंगे, नहीं तो मैं अकेला चले जाऊँगा, थोड़ा सा वगैरह जो है करेंगे और दिखाऊंगा आपको एक और भी मंदिर।
तो तब के लिए थोड़ा सा मैं सो लूँ। तो अभी जाना था हमने घूमने, लेकिन इस भाई की तबीयत है ख़राब अभी, और ऊपर से मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो आज फिर नहीं जा सकेंगे। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में जो है ना जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज तबीयत ख़राब है, तो इंशाल्लाह जो है ना कल या परसों जो है ना और जगह घूमेंगे। सो घर अब मैं वापस आ गया हूँ। तबीयत आज मेरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, उसको काम हो गया, थोड़ा सा फ्लू है, थोड़ा सा फीवर भी महसूस हो रहा है, तो मैंने कहा आज मैं फिर वहाँ नहीं जा सकता, तो आज के लिए माजरत। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट आएगी तो किसी और भी जगह जाएंगे। अभी तो व्लॉग्स आएंगे DHA की साइड के, दूसरी जो जो साइड हैं, बुश विलास है, तो इस साइड से भी बनाऊँगा, जहाँ जहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह बनेंगे। और आपसे आखिरी बात यही है कि इम्पॉर्टेंट बात आपको कर रहा हूँ कि हमेशा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई भी कैसा भी है उसमें से तनकीद ना करें, उस पर अच्छा है बुरा है आपको नहीं पसंद, आप जो है ना स्किप कर लें चीज़ को। दूसरा, अगर कोई भी अगर अमीर है ना उसको देख लें, आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो कभी भी। और दूसरा, कुछ मेरे दोस्त मैसेज भी, यार व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और कैसे करें, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा भाई नई चीज़ तो ऐसे बैठ रहेंगे घर में, आपको करना ही पड़ेगा। दूसरों की देखा देखी आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी पहचान ही बनानी पड़ती है कि हम नकल कर लें कि यार वो दूसरा इतना कैमरा अच्छा लेकर फिर रहा है या इसके पास ये और व्लॉगिंग इस तरह कर रहे हैं, तो हम भी कह लेंगे, कभी भी नहीं। छाप अपनी होनी चाहिए, और ये सोच के ना करें कि इतने व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो हमारा कैसे नंबर आएगा। नहीं, वो अगर ये सोच कर करते पहले वीडियो, तो आज वो भी कामयाब ना होते। उनके आप पहले के व्लॉग्स उठा कर देख लें, अब शुरू और अब वाले, ज़मीन आसमान का से भी ज़्यादा फ़र्क है उनका। तो मेरे भी अभी तो ऐसा ऐसा, जब इम्प्रूवमेंट होती है, जब कुछ अर्निंग स्टार्ट होती है, तो इंसान उस पर लगाता भी है। अभी मैं अभी स्टिक लेनी है, ट्राईपॉड लेना है, जो भी जो चीज़ें हैं वो लेनी है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो सबसे बढ़िया हमेशा खुश रखें, खुश रहें, और कभी भी इस आशय कमतरी का शिकार ना हो, और हमेशा दूसरों के लिए दुआ गोरें। तनकीद सब करते हैं, तारीफ़ कोई कोई करता है, मुझे तारीफ़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंसान दुआ कर दे। तो लास्ट में सी मेरा ये था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी आते रहेंगे। कमी पेशी होती है, आवाज़ की भी प्रॉब्लम होती है, कभी वीडियो की भी प्रॉब्लम होती है, तो बराए मेहरबानी उसको उस पर माजरत, जो भी है जितना भी है मैं उसमें कर रहा हूँ कोशिश। तो इसलिए कल के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।